नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वॉरियर में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़े, जो नए यूज़र्स हैं कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एटॉमिक से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी ये जो वीडियो है हमारा टोटली बेस्ड ऑन है एटॉमिक के जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। जैसा कि एटॉमिक कंपनी अभी लॉन्च होने वाली है अप्रैल से जून के बीच में, और CEO एंगल्स पारक हैं, इनके बारे में हम अपने जो पिछले वीडियो है उसके बारे में हम बता चुके हैं, और जो कंपनी का प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, वो भी लास्ट वीडियो में हम बिल्कुल पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं, उसमें सब चीज़ें हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जैसा कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं अपने, वो कोलमार BNH की कंपनी से बन रहे हैं अभी। ठीक है, कोलमार BNH की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एटॉमिक के बन रहे हैं वो। तो सबसे पहले आपको एटोमी स्टार्ट करने से पहले किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या है, पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। किसी को प्लान दिखाने से पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप नए हैं एटोमी में, आपको किसी के पास जाना है तो उसको अगर आपको प्लान शो करना है तो सबसे पहले ये चार चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके बारे में आपकी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कि वो जो कंपनी है उसके पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ठीक है, पर्सनल केयर, ओरल केयर, फूड, इस कैटेगरी के इसके पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है दोस्तों, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, और प्रोडक्ट का 100% रिजल्ट है, और हर्बल प्रोडक्ट है, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान क्या है कंपनी का। आजकल क्या है, इंडिया में 80% जो लीडर्स हैं मार्केटिंग प्लान को उल्टा सीधा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जो मार्केटिंग प्लान है एग्जैक्ट आपको पता करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल सही एग्जैक्ट मार्केटिंग प्लान, जो ऑफिशियल मार्केटिंग प्लान है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आपके अपलाइन ने हो सकता है अभी तक आपसे डिस्कस ना किया हो या आपके अपलाइन को ना पता हो। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान की नॉलेज आपको बिल्कुल अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि विजन, एटोमी का फ्यूचर का विजन क्या है। फ्यूचर का विजन बहुत बड़ा है दोस्तों, ये पहली ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको MLM प्लस नेटवर्किंग में लेकर के आई है। ठीक है, एटोमी जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस शॉपिंग के जरिए आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाने का मौका दे रही है कंपनी, और इसका विजन बहुत बड़ा है दोस्तों। इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट है, चाइना भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, और अब तक 10 साल में जो रिकॉर्ड बने हैं दूसरे कंट्रीज़ में वो रिकॉर्ड शायद इंडिया में 1 से 2 साल के अंदर आपको देखने को मिल जाए। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, आप 1 से 2 साल के अंदर इंडिया में फास्टेस्ट इम्पेल मास्टर देखेंगे, हो सकता है वो फास्टेस्ट इम्पेल मास्टर टीम वॉरियर से हो। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे, जो पूरा वीडियो है ये हमारा बेस है एटोमी के हेल्थ प्रोडक्ट्स का, बेनिफिट्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हिमोइम के बारे में आपको बताएंगे, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताएंगे, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स और बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो भी हेल्थ के सप्लीमेंट्स है सबसे पहले इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम दूसरे जो प्रोडक्ट्स बच जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट सफोरा क्वीन। सफोरा क्वीन का जो प्रोडक्ट है, मैक्सिमम ये जो प्रोडक्ट है ये लेडीज़ के लिए बनाया गया स्पेशली। ठीक है, लेडीज़ के लिए बनाया गया ये प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट्स को जो भी लेडीज़ में कमियां होती है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए बनाया गया स्पेशली ये मेनोपोज फॉर वुमेन हेल्थ 6 काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन फार्मूला। इसमें 6 तरह के कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले का है सफोरा जेपोनिका एक्सट्रैक्ट, इसमें होता है सोफ्रा जेपोनिका एक्सट्रैक्ट होता है जो कि सपोर्टेड प्री मेनोप्यूजल एंड मेनोप्यूजल, ये जो एक्टिविटी है उसमें ये सपोर्ट करता है। और सो सेकंड का जो है सो इसोफ्लेवोंस, ये सो इसोफ्लेवोंस का जो प्रोडक्ट है मे हेल्प प्रिजर्व बोन हेल्थ, जो लेडीज़ की जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है माताएँ बहनों की, तो उनको स्ट्रोंग करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन, इसमें विटामिन डी भी होता है, ई भी होता है, के भी होता है। तो विटामिन डी जो हमारा जो बॉडी है उसमें
जितना भी जो कैल्शियम है उसको अब्जॉर्ब करने में सहायता प्रदान करता है, और जो फॉस्फोरस होता है वो हेल्थ बोन्स की जो हेल्थ है उसको बढ़िया करता है। फॉस्फोरस विटामिन ई का काम होता है मे प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन का प्रवाह होता है बॉडी के अंदर, तो उसमें विटामिन ई काफ़ी सहायता पूर्वक होता है। विटामिन के ये जो ब्लड कोगुलेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है, जैसे आपका कहीं कटाव हो गया और उसमें जो ब्लड का थक्का बन जाता है ना थक्का, तो वो विटामिन के कारण बनता है। अगर आपके ब्लड में या बॉडी में विटामिन के की कमी है तो खून बेहतर रहेगा, कहीं अगर बाई चांस किसी भी तरह से कट गया आपका सब्जी काटते वक्त थोड़ा सा कट हो गया तो वो खून बेहतर रहेगा अगर विटामिन के की कमी होगी तो। अगर विटामिन के सही होगी तो उस खून का थक्का ईजिली जम जाएगा आपका, तो ये विटामिन के की कमी को पूरा करता है, विटामिन ई की कमी को और विटामिन डी को। नेक्स्ट है गामा लिनोलेनिक एसिड। ये जो गामा लिनोलेनिक एसिड इसके अंदर होता है इस प्रोडक्ट में, वो सपोर्ट करता है आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी के अंदर। कई बार क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है हमारा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या होता है कि हार्ट अटैक आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। कई बार जो हार्ट की आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो भी ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे डॉक्टर कई बार बोलते हैं ना कि ब्लॉकेज हो गया। तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है अपने बॉडी में जो सर्कुलेट करता है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करके रखता है, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इस प्रोडक्ट के। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल्स में देखिए आप। ठीक है, सोफेराक्विन का जो प्रोडक्ट है मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स स्पेशली डिजाइन फॉर परी मेनोपेजुअल एंड मेनोपेजुअल सपोर्ट। ये परी मेनोपेजुअल एंड मेनोपेजुअल सपोर्ट है, लेडीज़ को पता होगा उसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसके जो छः चीज़ें इसके अंदर मेनली जो मैं आपको बता चुका हूँ, सोफेरा आयोपेनिक एक्सट्रैक्ट है जो कि आपका परी मेनोपेजुअल और मेनोपेजुअल में सपोर्ट करता है। सेकंड है सोया आइसोफ्लेवन्स, इसमें ये मेल प्रिजर्व बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। थर्ड है गामा लिनोलेनिक एसिड जो कि ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बनाए रखता है। फोर्थ है विटामिन डी, ये विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम और फास्फोरस आपकी जो बोन्स होती है उसको मेंटेन करके रखता है। विटामिन ई आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो सेल्स की जो भी बॉडी की सेल्स होती हैं ऑक्सीजन लेती हैं छोड़ती हैं और जो प्रोसेस है पूरा ऑक्सीडेशन का उसमें सहायता प्रदान करता है ये। और विटामिन के जो ब्लड कोगुलेशन है खून का थक्का जो बनता है उसके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो सोफेराक्विन वुमेंस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा सा पेमेटो का जो प्रोडक्ट्स हैं इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है इसमें सा पेमेटो, इसमें क्या होता है कि ये फैन लीफ पाम ट्री, एक ट्री पाम जो ट्री होता है उसकी जो लीफ फैन लीफ होती है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है उसके। ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक, जैसे आपने जो उसका पेड़ देखा होगा पाम ट्री का, तो उसकी जो लीफ होती है उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके बनाती हैं, दैट कैन लिव्स अप टू 700 ईयर्स। उस जो पाम ट्री की जो लीफ होती हैं जिसको बोलते हैं आप पत्ते, इसके जो पत्ते हैं वो 700 साल तक जिंदा रह सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है और उससे एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रीग्रोथ पावर वैन एक्सपोज टू फायर, और जब ये जल जाता है तो दोबारा से अपने आप रीग्रोथ कर लेता है। अमेरिकन इंडियंस यूज दिस फ्रूट टू ट्रीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम ऑफ मैन, और अमेरिकन इंडियंस जो हैं इस पेड़ का यूज़ करते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेंस का उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पहली चीज़ है। ठीक है, सेकंड चीज़ है ओक्टा कैसेनोल इज ए बायो एक्टिव सब्सटेंस दैट बूस्ट एनर्जी एंड स्टेमिना विच वॉज फाउंडेड बाई डॉक्टर थॉमस के कर्टन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स एनर्जी सोर्स इज फाउंड इन वीट एल्फाफा लीव्स वैक्स एप्पल ग्रेप्स राइस ब्रेन इटीसी। इसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो जैसे आपका वीट हो गया, जो गेहूँ हो गया, ठीक है, अल्फा लीव्स हो गया, वैक्स ऑफ एप्पल्स हो गया, ग्रेप्स होता है, राइस, इनमें ये ओक्टा कैसेनोल का जो प्रोडक्ट है वो पाया जाता है, जो कि इसकी खोज की थी डॉक्टर थॉमस के कर्टन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के हैं, उनकी स्टडी के दौरान ये उन्होंने पाया गया था। माइग्रेटरी बर्ड्स एनर्जी सोर्स, जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक से दूसरे लोकेशन पे, ठीक है, उनके ऊपर स्टडी किया था इन्होंने, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई। तो ये जो ओक्टा कैसेनोल जो बायो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, और जो भी पक्षी होते हैं पलायन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, उनमें जो एनर्जी का रिसोर्स होता है, जो एनर्जी भरी होती है, वो एनर्जी इसके कारण होती है ओक्टा कैसेनोल। ठीक है, और ये एनर्जी का जो रिसोर्स है वो इन सब में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सा पेमेटो के अंदर ओक्टा कैसेनोल सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करके रखेगा, आप थकेंगे नहीं। ठीक है ना,
आप उसके लिए बनाया जाता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन कर करके स्टेमिना मेंटेन करके। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो मेन काम है, इट प्रोडक्ट लिपिड्स एंड प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड विच इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। जो कोई भी हमारी बॉडी में दुनिया भर की सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स हो गई, और सेल्स के जो सराउंडिंग है ना राइट साइड में जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो भी सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, और सेल्स क्या करते हैं कि कुछ फैटी एसिड्स रिमूव करती रहती है अपने बॉडी से, जैसे पसीना निकलता है वो भी एक प्रकार से फैटी एसिड्स निकलता है आपकी बॉडी से। ठीक है, तो ये क्या करता है विटामिन ई, इट प्रोटेक्ट लिपिड एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड विच इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। तो आपके सेल मेम्ब्रेन को ये मेंटेन करके रखता है ये विटामिन ई, तो ये भी इसमें पाया जाता है। और फिर जिंक, जिंक आपकी बॉडी के लिए काफ़ी रिच वो पाया जाता है। ये जो जिंक होता है ये कैसानोवा एवरीडे मील है, जिसमें ओइस्टर्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द जिंक। जिंक के अंदर जो ओइस्टर्स का जो सोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिंक इज एसेंशियल मिनरल दैट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ। जो आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसकी ग्रोथ में जिंक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, और प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए। और डीएनए आरएनए में भी जो और न्यूक्लिक एसिड है उनमें भी जिंक का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको जिंक भी मिलेगा जो आपकी बॉडी की सेल ग्रोथ को मेंटेन करेगा, और प्रोटीन का जो भी प्रोसेस है बॉडी को उसको मेंटेन सर्कुलेट करके रखेगा, और बॉडी का जो मेटाबोलिज्म है, मेटाबोलिज्म इन द सेंस ऑफ जो भी आपका न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उनको ये मेंटेन करके रखेगा ये जिंक। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर पांच चीज़ें होती हैं। लास्ट की चीज़ है सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है, ये जो फ्री रेडिकल्स होती हैं, फ्री रेडिकल्स टू प्रिवेंट सेल डैमेज, जितने भी जो सेलेनियम हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सेल्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, सेलेनियम हेल्प्स एलिमिनेट फ्री रेडिकल को बाहर निकालता है टू प्रिवेंट सेल डैमेज। अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर रहेंगे तो सेल्स को डैमेज करेंगे और डिजीज उत्पन्न करेंगे बॉडी के अंदर। तो जो सांप टोमेटो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। और ये जो यूरिनेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है पुरुषों में, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह, ठीक है, तो उसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, और उसके लिए हेल्पफुल है, तो इसको आप पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका कब बढ़ता है, जब आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मीट कंजप्शन हो गया, वर्क स्ट्रेस हो गया, लॉन्ग आवर्स ड्राइविंग हो गया, ठीक है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये सारी अगर हैबिट्स आपकी हैं तो मैक्सिमम चांस हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को, हर को नहीं होता वैसे। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो 40 से 50 की एज होती है उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या है वो मेल्स में हो जाती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, और इसमें सापेमेंटो के बारे में आप जानना चाहोगे तो ये जो देख रहे हैं ये जो पाम ट्री है उसके अंदर ये फ्रूट्स लगते हैं छोटे छोटे, ठीक है, इस तरीके के। ठीक है, सापेमेटो आल्सो नोन एज सेरेनोवा रिपन्स इज ए फैन लीफ पाम ट्री दैट कैन बी फाउंड अलोंग दी सी सोरो फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का जो समुद्र का तट है वहाँ पे ये इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, और उनसे एक्सट्रैक्ट करके ये बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो पेड़ है इसकी जो लाइफ है वो 700 साल से ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस टू फायर, अगर इसको आग लगाएंगे आप तो बहुत जल्दी ये पेड़ जलेगा नहीं, बहुत धीरे धीरे जलता है ये पेड़। ठीक है, और रीग्रोथ हो होती है इसकी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनमें ये यूज़ होता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे नाइट में यूरिनेट करना बार बार, ठीक है, और यूरिन पास ना होना ईजली, और यूरिन आप करने जा रहे हो यूरिन नहीं हो रहा है, तो यूरिन से रिलेटेड और प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड जितने भी समस्या हो तो इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है ये प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आई लूटिन दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारी जो आई साइड है किसी की वीक हो जाती है, और ज़्यादा वीक ना हो, अगर हमने स्पेक्स पहन रखे हैं, चश्मा लगा रखा है, आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है,
तो उसके लिए प्रोडक्ट हेल्पफुल है सा आई लूटीन, ठीक है, मल्टी फंक्शनल फार्मूला फॉर हेल्दी आइज़, ठीक है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी आँख को इफेक्ट करते हैं, रेटिना को, और हमारी देखने की क्षमता, जो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि का जो देखने का पावर है आई साइड्स, वो कम हो जाती है, 6/6 से कम हो जाती है, किसी की माइनस में किसी की प्लस में। तो लूटीन होता है इसमें विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए क्या करता है, जो भी सेल्स होती है हमारी रेटिना के पीछे की, जो रोड सेल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें उनको ये रिपेयर करके रखता है, और जितना भी जो एल्डिहाइड फॉर्म होता है वो कंबाइन विद ऑप्सिन प्रोटीन टू फॉर्म रेडोप्सिन, जो रेडोप्सिन होता है विच इज हेल्प्स अस टू डिटेक्ट डिम लाइट इन द डार्क। जैसे रात को काफ़ी अंधेरा हो गया और आपको जो देखना है, तो ये जो रेडोप्सिन का जो प्रोडक्ट, रेडोप्सिन की जो ये एल्डिहाइड फॉर्म है, ये आपकी आंखों में के इसके कारण ही आप अंधेरे में डिम लाइट में देख पाते हैं, ठीक है। तो उसको ये मेंटेन करके रखता है ये आई लूटीन, ठीक है, एटोमी आई लूटीन। तो और इसमें एटोमी आई लूटीन्स का जो भी चीज़ें हैं, चार चीज़ें इसमें बता रखी है, ये कहाँ कहाँ से बना है, ट्रेडिशनल हार्वेस्ट रीजन, ब्लैक सोइल, आइडियल क्लाइमेट, हैंड पिक्ड, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से बना है, ठीक है। हार्वेस्ट रीजन जो होता है मैक्सिको का, तो वहाँ से इसको बनाया जाता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं सारी चीज़ इसमें दिखा रखी है, ब्लैक सोइल, आइडियल क्लाइमेट, हैंडीपिक, इसको जो बनाने की प्रक्रिया है, जो भी प्लांट्स वगैरह ग्रोथ होती है इस तरह के रीजन में होती है, वो ब्लैक सोइल चाहिए, आइडियल क्लाइमेट चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वहाँ से ये जो भी प्लांट्स होते हैं एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है ये उस एरिया में। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं वो देखिए आप, मेन मेन चीज़ें लूटीन, विटामिन ए, जिंक एंड बेरी एक्सट्रैक्ट। तो आई लूटीन में सबसे पहले क्या होता है कि अपने आँखों की ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है, जो डेनेस्टी होती है हमारी उसको मेंटेन करके रखता है, एज होने के साथ साथ हमारी आइज़ का वो कम हो जाता है दिखाई देना हमें धीरे धीरे, तो उसको ये मेंटेन करके रखता है। और विटामिन ए क्या होता है, जो भी नाइट में का जो विजन है, रात को जो हम देखते हैं डिम लाइट में, तो उसमें ये मेंटेन करके रखता है हमारे को, ठीक है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, उनको मेंटेन करके रखता है विटामिन ए। और जो जिंक होता है, जो इम्यून फंक्शन और सेल डिवीज़न है उसको मेंटेन करता है इसमें। और बेरी एक्सट्रैक्ट क्या होता है, इसमें 20% बिलबेरी एक्सट्रैक्ट होता है, ब्लूबेरी, एरोनिया, ब्लैक करंट और एलडी बेरी एक्सट्रैक्ट, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं बेरी एक्सट्रैक्ट के अंदर, जो कि आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी दोस्तों इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। एटोमी आई लूटीन कंटेंट्स वेरियस एडिटिव अदर देन मिक्स्ड बेरिक, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारी आई साइड को मेंटेन करके रखती है। इस प्रोडक्ट का दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, बेरी एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग 20%, ठीक है, बेरी एक्सट्रैक्ट होता है जो कि 20% होता है, उसके अलावा करेना बेरी, एरोनिया, बिलबेरी, ब्लैक करंट, एलडी बेरी, ब्लूबेरी, एरोनिया और रेड ऑरेंज पाउडर, बोरेजोल, हाइलू यूरोनिक एसिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और जो आइलूटिन होता है ये 500 mg का एक कैप्सूल होता है, 500 mg × 90 सॉफ्ट जेल, 90 गोलियां होती हैं इसमें, ठीक है, टोटल 45 ग्राम, ठीक है। अब दोस्तों आ गया एटोमी अलास्का ई ओमेगा, ठीक है। ई ओमेगा का जो वीडियो है हम पहले भी बना चुके हैं दोस्तों, ई ओमेगा जो भी है बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ये बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है, और कार्डियो अटैक्स कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। जो भी हमारा हर्ट्स होता है तो उसको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ओमेगा कैप्सूल्स। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एटोमी अलास्का ई ओमेगा, एटोमी का ही अलास्का ये ओमेगा फेमस क्यों है, क्योंकि इसमें ईएचए और डीएचए की जो वैल्यू है प्योरीफिकेशन 65% से अधिक इसमें ईपीए डीएचए होती है, ठीक है। और दिन में 2 कैप्सूल लेना होता है खाना खाने के बाद। और जो मछली का तेल होता है वो अलास्का से निकाला जाता है, और 1 कैप्सूल का जो वेट है वो 550 मिलीग्राम होता है, जो कि छोटा होता है, निगलने में ईजी होता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रोडक्ट में क्या है, इस प्रोडक्ट का अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से, तो इसका जो प्राइस है अभी कोरियन मार्केट का जो प्राइस है 1300-1400 रुपये के आसपास है, ठीक है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 65% EPA DHA,
ईपीए डीएचए का जो प्योरिफिकेशन है वो 65% होता है इसमें, जो कि बहुत बड़ी बात है, किसी भी कंपनी के उसमें इतना प्योरिफिकेशन नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो यही इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसका प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी काफ़ी होती है इसके अंदर, 550 कैप्सूल्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर दिखाया गया है सारा, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, फूड वगैरह खाते हैं, और एज जैसे जैसे हमारी हो जाती है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना, जो रक्त के जितने भी थक्के होते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, जो ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होती है उसको मेंटेन करता है ये, ठीक है। जितना भी जो खाना खाते हैं हम, फास्ट फूड खाने से क्या है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स भी जो मेंटेन नहीं रहता, तो वो सारी चीज़ें हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जितनी भी जो डेथ होती है, 2012 में ग्लोबल डेथ का काज है, मैक्सिमम काज इसमें हार्ट अटैक्स दिखा रखा है, ठीक है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ये बनाया कैसे जाता है, अलास्का से निकाला जाता है, और उसके साथ उसको एक्सट्रैक्ट करके ऑयल के साथ तेज़ी से उसको मिक्स किया जाता है, और उसके बाद इसको एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ स्टोर करके, एंटीऑक्सीडेंट्स और ट्रेन के द्वारा इसको लिया जाता है, और बर्फीले अलास्का में वहाँ पे इसको लास्ट में अलास्का की जो है वहाँ से इसको बनाया जाता है, अलास्का में निकाल करके इसको यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो किया जाता है इसका, ठीक है, अलास्का से निकल के उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है हमने, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और इसके अंदर 180 कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, 180 कैप्सूल्स, ईपीए डीएचए 65% होता है, 550 मिलीग्राम का एक कैप्सूल होता है, पर डे दो कैप्सूल लेने होते हैं। और इसका जो कलर है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है, मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है, मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस भी इसके साथ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और इसका जो कलर है इस प्रोडक्ट का, और जो दूसरे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल प्योर है, ईपीए डीएचए जो होता है इसका 65% दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। जो भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें इस पूरा जो फिलअप नहीं होता, उसमें कुछ कुछ हवा के एयर बबल्स होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल प्योर है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, रिफ्लेक्शन देख सकते हो आप इसका, बिल्कुल क्लियर, और इतनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है कि जिनका इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, फ्रेश नहीं हो पाते अच्छी तरीके से, और इंटेस्टाइन क्या है कि बॉडी का मेन पार्ट है हमारा, ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स में 12 प्रकार के प्रोबायोटिक्स हमारे जो पेट है उसको ठीक रखते हैं, और जितना भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को मदद करते हैं, और जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनकी वृद्धि को ये रोकता है, ठीक है। जो भी हमारे आते हैं होती हैं अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया से भरी होते हैं, हमारे आंतों के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरियाज नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, और उम्र के साथ साथ जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो हमारी आंतों का जो हेल्थ है उसको ख़राब कर देते हैं वो बैक्टीरियाज। और प्रोबायोटिक्स में क्या है कि 12 प्रकार के प्रोबायोटिक्स के अलावा विभिन्न प्रकार के उपघटक शामिल हैं, और इसमें सारी चीज़ें शामिल है, ठीक है, टेंडलाइज्ड लैक्टोबैसिलस सीडोफिलिसिस होता है इसमें, लैक्टोबैसिलस प्लांट्रम, संतरे का स्वाद वाला पाउडर मिक्स होता है, नींबू के रस भी होता है इसमें, ट्रोडेक्सिन भी होते हैं, फ्रक्टो ओलिगेज कैराइड्स भी होते हैं, और ग्लक्टोज ओलिगो सैक्राइड्स भी होते हैं, और जाइटोल भी होता है इसके अंदर, ठीक है। ये 10 टाइप के प्रोबायोटिक्स होते हैं ये इसमें शामिल है, और ये सारे जो प्रोबायोटिक्स है हमारी बॉडी की जो आंत है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है इसका, ठीक है। और हमारी अगर इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना है तो ये 12 प्रकार के जो भी प्रोबायोटिक्स होते हैं ये आपको लेने चाहिए, और अगर वो लेते हैं तो आपके जो आंत है इंटेस्टाइन है वो हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों
स्प्रेलोनिया, स्प्रेलोनिया का जो प्रोडक्ट है ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है इस कंपनी का, ठीक है। एटोमे का 100% प्योर स्प्रेलोनिया का प्रोडक्ट है। ये नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट दैट एसेंशियल न्यूट्रीस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, शुगर, डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। और जो स्प्रेलोनिया का जो मेन एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होता है उसके अंदर ये तीन चीज़ें दिखा रखती हैं, पिकोसियामाइन्स, एसओडी, क्लोरोफिली। क्लोरोफिली क्या होता है कि जो भी क्लोरोफिली का नाम तो आपने सुना होगा, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना जो भोजन बनाते हैं वो क्लोरोफिली उनकी पत्तियों में पाया जाता है, उसके द्वारा है वो भोजन की प्रक्रिया होती है उनके, तो क्लोरोफिली इसमें होता है। सेकंड एसओडी, ये क्या होता है कि मोर देन 6000 यूनिट्स पर 100 ग्राम, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम दैट रिड्यूस द लेवल ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन इन द बॉडी। जो हमारे एक्टिव ऑक्सीजन जो बॉडी में होती है तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉडी के ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, तो उनको ये रिड्यूस नहीं होने देते, ठीक है। सेकंड है ग्रीन एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस फाउंड इन द स्प्रिलोना, और ये ग्रीन प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो स्प्रिलोना जो हरा कलर होता है ना, ये हरा कलर देख रहे हैं ये इसके कारण होता है, ठीक है। और ये बीच में होता है, ठीक है। 2 कैप्सूल पर डे लेना होता है इसमें, और बॉडी के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये किस प्रकार से बनता है, कौन से एरिया में बनता है, हवाई में बनता है ये, ठीक है। एटोमे 100% प्योर स्प्रिलोना यूजेस फ्रेश इन्ग्रीडियंट्स, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ इन्ग्रीडियंट्स। 1983 से ये बन रहा है, और इसके जो R&D है वो कोना हवाई में होती है, कोना हवाई, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ है ये, एक आइसलैंड है, ठीक है, कई लिया कोना हवाई एंड आइसलैंड विद क्लीन ओशियन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। सी वाटर के अंदर होते हैं जिसमें रिच मिनरल्स होते हैं, सी वाटर, इस आइसलैंड के ऊपर सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, एक प्रकार से एक एरिया को पूरा इन्होंने वो कर रखा है, उसके अंदर पानी के अंदर ये एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, इसको बाद में पेटेंट किया जाता है, पेटेंट सी वाटर फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। पेटेंट करके जो सी वाटर है उसको फ्रीज करके फिर ड्राई करके सूखा करके फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है। और फिर कैप्सूल्स के अंदर ये भरा जाता है, ठीक है। और स्प्रिलोना कैन टॉलरेट ओनली 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और पीएच लेवल होता है इसका 9 से 11, ठीक है। स्प्रिलोना सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ पैक्टिन, ए सोल्यूबल डाइटरी फाइबर, दिस इंक्रीज स्प्रिलोना डाइजेशन अप टू 95%। अगर आप स्प्रिलोना को जो डाइजेशन है वो 95% तक हो जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये पैक्टिन का बना होता है जो कि एक डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है। और ये इस प्रकार में इसमें कुछ दिखा रखा है, मेनली ये है कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है स्प्रिलोना इसके लिए, और इसकी जो हिस्ट्री है वो डिटेल्स में आप पढ़ लेना, ठीक है। और FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पास किया गया, WHO के द्वारा, ठीक है। जो जितने भी जो साइंटिस्ट हैं नासा के स्पेस में जाते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यूनिसेफ टू इम्प्रूव दी न्यूट्रोटीना स्टेटस ऑफ अंडर न्यूरिस्ट चिल्ड्रन, जिन बच्चों का विकास नहीं होता पूरी तरीके से तो उनको भी ये दिया जाता है, ठीक है। और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है इसका, और इंटरनेशनली इसका यूज़ होता है, और जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, आयरन्स होता है इसमें, मिनरल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, अमीनो एसिड्स होता है, एसओडी, विटामिन्स, बेटा कैरोटीन और फैटी एसिड्स इसमें होते हैं। 100% स्प्रिलोना कंटेनिंग ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसके अंदर है। 120 कैप्सूल्स आते हैं जिसमें, ठीक है, 400 मिलीग्राम्स का एक कैप्सूल का वेट होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट होता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है उसके बारे में देखिए, जो भी जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, विटामिन सी इज़ ईजिली डिस्टोर्ड वैन कुक, जितने भी सब्जियां वगैरह होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जब उनको पकाते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें नहीं रहता इतना ज़्यादा, ठीक है। तो विटामिन सी को वी कंज्यूम फ्रॉम फूड एंड सप्लीमेंट्स आर वेरी सिमिलर। विटामिन सी को किसी प्रकार से आप ले सकते हैं, या तो फूड से ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स के द्वारा ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। विटामिन सी सर्टिफाइड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्या करता है, मेंटेन कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्मेशन फंक्शन, जितने भी टिश्यूज होते हैं बॉडी को उनको फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखता है। हेल्प आयरन एब्जॉर्बेशन, आयरन का जो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करता है ये आयरन जो भी बनता है बॉडी में। प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल, जितने भी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं सेल्स के लिए हानिकारक होते हैं उनको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी में मैंगो, टैंग्रीन, पम्पकिन, फेलिनियस, टर्मरिक, स्ट्रॉबेरी, पोमग्रेनेट, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। 3, 5, 7 प्रकार के जो फूड होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं, और उनसे ये
पाउडर बनता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है विटामिन सी का। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी पर्सनली मैंने भी इसको यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। ठीक है, 90 स्टिक आती हैं एक पैकेट के अंदर, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों। उसके बाद आता है जिसको बोलते हैं रेड जिंक्शन। ठीक है, होंग्स मेडन रेड जिंक्शन दोस्तों। जो रेड जिंक्शन है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ साउथ कोरिया में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, रेड जिंक्शन पूरे वर्ल्ड में साउथ कोरिया में पाया जाता है, और साउथ कोरिया में भी आपको पेटेंट रेड जिंक्शन चाहिए तो वो मिलेगा आपको एटोमी के पास। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, साउथ कोरिया स्पेशली ऑल्सो फेमस फॉर रेड जिंक्शन। ठीक है, तो जो रेड जिंक्शन है बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और बॉडी का स्टेमिना मेंटेन करके रखता है ये। ठीक है, आप इसको जो 18 वर्ष से जिस केज का है वो उसका आधा पैकेट ले सकते हैं, और जो यंग है वो प्रतिदिन एक पैकेट वन टाइम ले सकते हैं आप। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट मुंह से ले सकते हैं, पानी में घोल करके ले सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको एलर्जी है, आप डायबिटीज़ की दवा एंटी कोगुलेट जैसी दवा ले रहे हैं, तो कृपया आप अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिए। जब आप पैकेट खोलते हैं तो मजबूती से सील करें, ठंडे स्थान पर रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है, ये वार्निंग है दोस्तों इसमें, अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई एलर्जी है या एंटी कोगुलेट जैसी दवा आप ले रहे हैं, तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको अपने डॉक्टर्स फिजिशियन से परामर्श करना है तभी आपको लेना है। इस तरह की प्रॉब्लम एलर्जी डायबिटीज़ एंटी कोगुलेट है तो नहीं लेना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना आपको। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी है इसने। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, जो भी एक सर्विंग बॉडी होता है उसके अंदर ये सारी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सोडियम से सारे इतने परसेंटेज हमारे बॉडी को पर डे के हिसाब से चाहिए, वो इसमें दिखा रखा है। ठीक है, और बहुत ही पेटेंट टेक्निक से बनाया गया है, जो लोग थक जाते हैं आसानी से उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, और जो अपना स्टेमिना मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए भी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं उनके भी, और मेमोरी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पूरा दिन जो काम करते रहते हैं ऑफिस में थक जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, और जो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार चाहते हैं बॉडी का उसके लिए भी अच्छा है, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, जो भी है इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं रेड कलर के, 100% जिनसेंग होता है जिसके अंदर 97%, और लाल जिनसेंग पाउडर 3%, 100% कोरियाई जिंक्सन होता है एटोमी के पास। तो एटोमी का पेटेंट प्रोडक्ट है ये 100% कोरियाई जिंक्सन, जो कि रेड जिंक्सन है सिर्फ कोरिया में मिलता है, पूरे वर्ल्ड में प्योर बाकी कहीं नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, और इसको यूज़ कर सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये रेड जिंक्सन इस तरीके से होता है, तो उससे एक्स्ट्रा करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हिमोहिम। हिमोहिम क्या है कि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है दोस्तों। 8 साल का रिसर्च प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का यूज़ आप एथलेटिक्स जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं थक जाते हैं पूरे दिन में वो भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जो जिनकी काफ़ी एज हो चुकी है बुजुर्ग लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है रेड जंक्शन। रेड जंक्शन 3 चीज़ों से बना होता है, एंजेलिका लिगिगास, लिंगुस्टिकम सिनेग और पेयोनिया लैक्टिफ्लोरा, इन 3 चीज़ों से ये बना होता है। और ये दोस्तों साउथ कोरिया की एटोमिक कंपनी का नंबर 1 पेटेंट प्रोडक्ट है, जो कि 8 साल की रिसर्च के बाद बनाया गया है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट ने धूम मचा रखी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, हिमोहिम एक जैविक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और रेडिएशन इंजीनियरिंग रेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको बनाया जाता है, और इसके अंदर काफ़ी पेटेंट किया गया है, इसको FDA द्वारा भी प्रमाणित है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसको, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखिए। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी होती है जिसमें बोन मैरो होती है, बोन मैरो के अंदर दोस्तों NK सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में पावर हाउस का काम करती है, तो NK सेल्स की संख्या कम होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है, तो ये आपकी बॉडी में जो बोन मैरो में NK सेल्स होती हैं उनको ये इम्प्रूव करता है, जो कि हानिकारक सेल्स को खा जाती हैं और आपकी बॉडी से बीमारी को रिमूव कर देती है। दूसरा,
सिंगल ट्रांसमिशन प्रोटीन, और प्रोटीन आपके बॉडी को प्रोटीन में मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी का, और बेहतर इम्यून सिस्टम को बहुत ही बेहतर बनाए रखता है, और रोग क्षमकम कोशिका जीवन और आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। जो भी इनके सेल्स होती हैं, जो हानिकारक सेल्स होती है उसको खा जाती है, इस तरीके से आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन रहता है इसके द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये रेड हिमोइम हमारा जो लास्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स था, तो एटॉमिक के जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनका सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ठीक है, और जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ है, एलर्जी है, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ या फिजिशियन के साथ आपको डिस्कस करना है। कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट लेने से पहले आपको अपने बॉडी की जाँच करवानी है दोस्तों। आप किसी के वीडियो पर मत जाइए, मेरे या किसी के, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन कर रहा हूँ, आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार की एलर्जी है या कोई भी दवा आप ले रहे हैं, तो कोई भी नया हेल्थ सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श आपको ज़रूर करना है, उसके बाद ही वो हेल्थ सप्लीमेंट लेना होता है। और कई प्रकार के हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं, अलग अलग बॉडी, जितनी भी हमारी बॉडी होती है सब बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम अलग अलग होता है, तो किसी को सूट कर जाता है जल्दी, किसी को नहीं करता, और किसी को लेट सूट करता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप जांच पड़ताल कर करके लें और डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ठीक है, तो आप बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे कि भाई मैंने, उसने मेरे को ये बताया, उसने मेरे को ये बताया, किसी को फ़ायदा हो रहा है। इस प्रोडक्ट का जो फ़ायदा है, जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट के फ़ायदे हैं, हमने नुकसान अभी तक किसी का भी नहीं सुना है। मैक्सिमम इसके 100% पॉजिटिव रिजल्ट सुने हैं अभी तक। तो आप कृपया करके मेरे को बार बार कॉल करके परेशान ना करें कि हिमोइम कैसे लें। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग कॉल करते रहते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई फिजिशियन नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा काम है अपनी रिसर्च के अनुसार, अपनी प्रिडिक्शन के अनुसार आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना। आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं या कैसे करना है, उसका परामर्श आप डॉक्टर से लीजिए या कोई एक्सपर्ट एडवाइज है उससे लीजिए। तो कृपया करके मेरे से को आप बार बार कॉल करके परेशान ना करें। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, अवेयरनेस देना। यूट्यूब का चैनल इसीलिए बनाया गया है। तो मैं अपने चैनल पे जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, एटोमी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से आपको मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम दोस्तों। तो जो मैंने आपको बताया गया, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको टीम वॉरियर के साथ जुड़ना है, एटोमी टीम वॉरियर के साथ जुड़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम में इंडिया में नंबर वन पे चल रहा है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। और आप टीम वॉरियर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्टेट के टॉप लीडर्स के लीड हमारे नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए टाइम टू टाइम बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम लेकर आते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।